One of Monique's aunt met you too. What do you do? Muhammad Afzal Belgium se meri haji ki behan Mrs. Muhammad Sarwar. वो उस तरफ हैं बैठी हुई नहीं है उनका लेदर का ले होता है राशिद हुसैन साहब हैं आए आए यार उसके बाद ताहिर भट्ट साहब हैं हाँ जी फैसला सही तरह डंडी थी बारी पे फैसल मंसूर साहब अमीर अकबर साहब अमीर अकबर साहब तशरीफ फरमाए हैं यहाँ पर नहीं तारिक साहब Thank you.
राजा फैजुर रहमान एम्स्टरडम से। राजा साहब आ से
حاجی ناظم صاحب کا جو انعام ہے ان کو پہنچے گا اور چودھری محمد شبیر آف ہیڈ مرانا ماشاء اللہ بہت اچھی جگہ پہ رہتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے آپ کی بڑی بڑی اچھی اور چودھری الیاس صاحب روکڑم سے ماشاء اللہ یہ بھی ہر وقت ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں آگے ہیں ابرار عاشق اور احتشام عاشق کے دونوں میرے بھتیجے ہیں امیر صاحب دی نا گرم مار پائے اسکرین کھڑا تے پا گیا جی کمال ہو گئی سلور جوبلی کا انا ہوگی اجے کا سیٹ بھی ہے شہزاد مہ صاحب فرام روڈ بیلجیم سے ماشاءاللہ
शेख जमील साहब रोटरडैम से चले गए। अपने चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब तो इस वक्त उनकी तबीयत ना साजा था, लेकिन मुझे आमा साहब का फोन आया था कि चौधरी इकबाल साहब उनकी ट्रैफिक है इंशाल्लाह, तो मैं अपना इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ। और मेरी बेटी भी समझे अभी अपनी बेटियाँ बेटियों की तरह भी जो होती हैं वो भी अपनी बेटियाँ होती हैं माशाल्लाह। वो डॉक्टर हैं मिसेस नफीसा रहीम साहबा, उनका मैं जिक्र कर रहा था कि उन्होंने पहली दफ़ा खवातीन में से हमारा कोई गोल्डन स्पॉन्सर बनाया, और उनके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके वालिद मोहतरम जनाब हाजी मकबूल अहमद साहब यहाँ तशरीफ लाएं और नफीसा के लिए ट्रॉफी को। और अल्लाह ताला करेंगे हमारी बेटियां जो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें जैसे डॉक्टर नफीसा रहीम ने की है, और चौधरी मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब जो टेलीफोन पर बहुत ज़्यादा बिजी हैं लेकिन टेलीफोन द्वारा कट ऑफ कर दी और तशरीफ लाए यहाँ पर, ये माशाल्लाह ये चौधरी अदरी साहब के बड़े भाई हैं और बहुत ही मुतहरक होते हैं ऐसी चीज़ों में, और इनकी तरफ से एक उम्र का ऐलान भी है माशाल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और मेरे छोटे भाई जो कि बहुत से काम करते हैं दिल्ली में, इन्होंने इतने काम संभाले हुए हैं कि अल्लाह खैर ही करे, मैं इनकी दुआ करता रहता हूँ अल्लाह ताला इसे बता दूँ इसकी अता फरमाए, क्योंकि डेली दस्तों को इन्होंने संभाला हुआ है। एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर ये हैं, दस्तक ऑर्गेनाइजेशन के सदर ये हैं, और हमारी हर वक्त जब से ये महफिल चल रही है हर साल ये स्पॉन्सर ढूंढते भी हैं और खुद भी करते हैं, और इनकी ख्वाहिश थी कि मैं और हाजी सादत भट्ट किधर गए, हाजी सादत भट्ट साहब आए जनाब, इनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए कि मैं और सादत भट्ट इनको ट्रॉफी दें तो हम उसको हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत अफजाई है जनाब कि आपने हमें यह मौका बख्शा है। अब मेरे ख्याल में मैं झूठ को भी फारिग कर दूं, वो भी हो जाएगा लेकिन आपके नाम आते होंगे, तो जनाब तशरीफ लाए, शाह साहब तो पहले ही यहीं पर हैं, शहजाद अली खान साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इंतहाई मसरूफ वक्त से लम्हात निकाले और शुक्रिया।
انگلینڈ سے تشریف لائے ہوئے انتہائی محترم جناب حسان احمد ہمدانی صاحب، اور اسکینڈینیوین نارتھ کاؤنسل کے انتہائی متحرک کارکن اور ہماری بہار نات کے سفی فرڈن مارک جناب راجا محمد عمران صاحب، دوسری طرف ہمارے بہت ہی خوبصورت نات 2016 کے ونر اور سفیر ناروے بہار نات کے لیے جناب ہارون کا ہم سر تشریف ہے، اور انتہائی معزز ہماری سرپرستی کر رہے ہیں ماشاء اللہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سید افتخار حسین شاہ صاحب، جو ہماری جیوری کے بھی صدر ہیں اور ہر سال ہم پر شفقت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں جناب، اب میں قرت و نعت پلیٹ فارم ہال ہے، آپ سب حضرات تشریف لائیں، ہم نے آپ کے لیے برفی بنوائی ہے جو آپ سب کے لیے، اب آپ نے آگے جھگڑا کرنا ہے کس نے اس کو گھر میں رکھنا ہے، وہ آپ کی اپنی پرابلم ہے، اس کو میں آسان نہیں کر سکتا، ہماری کوشش تھی کہ آپ کو ایک اچھی ٹرافی دی جائے، ماشاء اللہ بہت خوب بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، بہت شکریہ۔ اب ہمارے مقصد بہت دیر سے مل جاتے ہیں، بڑی ہی مختصر سی ملاقات ہے، انہوں نے ہمارا دل جیت لیا ہے، اور بہار نات کے یہ سفیر ہیں جرمن کے لیے، انہیں کے ساتھ وہ اپنے معاشرہ کا نات میں دو نات منائے ہوئے تھے، اور ان کی پوری ٹیم آئی ہے فرینکفرٹ سے 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے، اور یہ ہماری محفل کے مہمان خصوصی جناب رانا محمد حسن صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں بہار نات کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے آج کی اس محفل کا انتظام کیا، بہت سی رکاوٹیں بھی اس میں ہوتی ہیں، خاص طور پر آج کی اس محفل میں جو بہت بڑی ایک رکاوٹ تھی وہ ایسے موسم میں لوگ محفل میں نہیں آتے، گھومنے پھرنے جاتے ہیں،
माशाल्लाह आप हज़रात सब लोग मुबारक पाक के मुस्तहिक हैं कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात खानी की इस महफिल में शिरकत फरमाई। तो माशाल्लाह इन्होंने 5 आदमी जो हैं इसके लिए मुकर्रर किए थे और बहुत ही टफ जो है वो मुकाबला था। इसमें सारे नात खान हज़रात जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी माशाल्लाह नात शरीफ पेश किया और बहुत मुश्किल है कि किस तरह हम इसमें नंबरिंग करें। माशाल्लाह ये हमारे मेरे साथ ये 4 हज़ार जो बैठे हुए हैं ये अच्छे नात खान हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा बेसुरा जो वो मैं ही हूँ। लेकिन भारत अब इसमें एक थोड़ी सी हमें बहुत क्योंकि टफ मुकाबला था तो हुआ ये कि दूसरे नंबर पे 2 हजरात आए हैं और दोनों के नंबर जो है बराबर हैं। अब उसके बाद देखें पहले जो है ना हमारे पास हम 5 ये मैं 4 ये साथी मेरे हैं, हमारे पास इख्तियार था भाई 50 नंबर में से जितने चाहे किसी को दे दें। जब एक दफा हमने दे दिए उसके बाद फिर हमारे पास इख्तियार नहीं है भाई हम किसी को आगे बढ़ाएं या पीछे करें, वो फिर हमारा इख्तियार खत्म हो गया। हमने इंतजामिया पे डाल दिया भाई हमने ये रिजल्ट तैयार किया है, अब आपकी मर्जी, आप दोनों में से जिसको चाहे थर्ड कर दें जिसको चाहे सेकंड कर दें। इन्होंने फिर हम पे जिम्मेदारी डाल दी भाई नहीं आप ही करें। तो अब ऐसे हुआ है कि फिर ये हमारे मेरे साथी जो हजरात हैं इन्होंने यही इस तरह कहा भाई ठीक है जो हमारे पास मेहमान दूर से आया हुआ है उसको हम दूसरे नंबर पे कर देंगे। मैं इसकी तौजीह थोड़ा एक और तरीके से करूंगा कि कुर्बानी देना वो सादात की बड़ी पुरानी रिवायत चली आ रही है तो सादात को कुर्बानी देनी चाहिए। तो इसलिए जुनैद शाह साहब ये क्योंकि बराबर थे तो इन्होंने इनको हमने ये गुजारिश किया कि आप कुर्बानी करते हुए तीसरे नंबर पे, तो ये तीसरे नंबर का ये चूंकि सादात की पुरानी रवायत है कुर्बानी देने की, इस रवायत के मुताबिक माशाल्लाह जी ये चूंकि 5 हजरात नंबर के लिए तो हर एक का अपना अपना एक जाविया निकाह होता है उस एतबार से वो देखते हैं नंबर लगाते हैं। तो बहरहाल ये जो है बहुत टफ मुकाबला था। अब दूसरे नंबर पे मुबशर जावेद साहब बहुत मुबारक अब अव्वल इनाम के लिए अफजल साहिब दीन माशाल्लाह इनको जीवी में रखें, 2 साल तो जीत चुके हैं तो वैसे अमेरिका का भी सदर 2 दफा बन सकता है, 3 दफा वो कैंडिडेट नहीं बन सकता तो आइंदा इनको जीवी में रखें। साहब जीवरी में जीवरी में
अब हमारे जितने नाम है दूसरे वो भी सारे फर्स्ट है, लिहाजा हमारे पास एक निशानी है आपके लिए कि आप जब कभी अपने ड्राइंग रूम में देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम भी गए थे इस पेपर में हिस्सा लेने के लिए, तो आप लिहाजा तशरीफ लाएं। जाहिद चिश्ती साहब, जाहिद चिश्ती साहब, किधर हो? अदील तबस्सुम, फैसल नजीर, माशाल्लाह तशरीफ लाएं। हाफिज मुजाहिद ज़िया, हाग हुसैन साहब, मैं अपनी इंतजामिया को कहना चाह रहा हूँ कि वो सब यहाँ पर तशरीफ ले आए, एक हमारी ग्रुप फोटोज है तमाम हजरात के साथ, और दूसरा एक बहुत ही खूबसूरत ऐलान है। और वो है हमारे राणा मोहम्मद हसन साहब, उन्होंने कहा है कि इसी साल इंशाल्लाह सारा इख्तिताम उनकी तरफ से होगा बहार नाथ के अंडर फ्रैंकफर्ट में दिसंबर में एक बहुत शानदार प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह।